हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय मेटलर्जी। ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अलॉय स्टील के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटलर्जी का। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वो टॉपिक अलॉय स्टील, और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स ऑन स्टील। अलॉइंग एलिमेंट्स का इफेक्ट क्या होता है स्टील पे? अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन के साथ में। सो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट्स। जो भी अलॉइंग एलिमेंट होते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है स्टील के प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे देखेंगे पहला इफेक्ट क्या है कि सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग ऑब्लिक हार्डनिंग। जो भी स्टील है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसकी हार्डनेस भी बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ जाती है? तो कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, अलॉइंग एलिमेंट्स आर सोल्यूबल इन फेराइट। कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि फेराइट होता है, स्टील का जो फेज है फेराइट, उसमें वो सोल्यूबल होते हैं। इससे क्या होता है, वो सॉलिड सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म सॉलिड सोल्यूशन विथ फेराइट, वो फेराइट के साथ में सॉलिड सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। अभी ये जो सॉलिड सोल्यूशन है वो बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल। तो जो भी सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो हार्ड और स्ट्रांगर होता है। उससे क्या होता है, स्टील का क्या होता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाता है। स्टील का स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ता है, सो दैट इज इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द स्टील। सो इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग और हार्डनिंग। सो अगर सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो स्टील की स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाती है। अभी हम यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, वो ग्राफ समझने का प्रयास करेंगे। सो इसमें क्या दिया है देखिए। सो इसमें एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, एक्स एक्सिस में अलॉइंग एलिमेंट इन अल्फा आयन दिया है, अलॉइंग एलिमेंट इन अल्फा आयन, और उसका परसेंटेज दिया है, वेट परसेंटेज। और वाई एक्सिस पे क्या दिया है, हार्डनेस दिया है, हार्डनेस इन BHA। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए हैं हमें, अलॉइंग एलिमेंट्स दिए हैं। पहला है फॉस्फरस, सेकेंड वन इज सिलिकॉन, थर्ड वन इज मैंगनीज, और फोर्थ वन इज निकेल। अभी आप देख सकते हैं ये चार जो अलॉइंग एलिमेंट है वो हमने कम परसेंटेज में यूज किया, अप टू 8%। अगर आप ये जो चार एलिमेंट्स है अगर आप कम परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं तो उसकी हार्डनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये चार मटेरियल इफेक्टिव है, इन केस ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड हार्डनिंग। फॉस्फरस, सिलिकॉन, मैंगनीज एंड निकेल इजिली सोल्यूबल है फेराइट में। इसके कारण क्या होता है, इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, स्टील की हार्डनेस बढ़ जाती है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ मटेरियल दिए हैं, मॉलिब्डेनम है, वैनेडियम है, टंगस्टन है, क्रोमियम है। ये मटेरियल भी इफेक्टिव है, ये मटेरियल भी हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं स्टील की, लेकिन आपको इसको ज़्यादा परसेंटेज में यूज़ करना पड़ेगा, अप टू 24%। आपको जो इसका कंपोजिशन है वो हायर रखना पड़ेगा, मॉलिब्डेनम, वैनेडियम, टंगस्टन, क्रोमियम का। अगर आप चाहते हैं कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ इफेक्टिवली बढ़े तो यू कैन गो फॉर फॉस्फरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, निकेल लाइक मटेरियल्स, जो बहुत ही इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव एज अ सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनर्स। फॉस्फरस, सिलिकॉन, मैंगनीज क्या है, इफेक्टिव सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनर्स है। ठीक है, सो ये था पहला इफेक्ट। अभी हम देखेंगे और कौन कौन से इफेक्ट होते हैं अलॉइंग एलिमेंट्स के। यहाँ पे और एक इफेक्ट दिया है, क्या इफेक्ट है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइड्स। कार्बाइड्स क्या होता है, सम अलॉइंग एलिमेंट्स कंबाइन विथ कार्बन टू फॉर्म इट्स कार्बाइड्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि कार्बन के साथ कंबाइन होके कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम, टिटेनियम, टंगस्टन, मैंगनीज, वेनाडियम। ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जो कार्बन के साथ कंबाइन होके कार्बाइड्स बनाते हैं। द अलॉय कार्बाइड्स, अभी इसे क्या कहेंगे हम, अलॉय कार्बाइड्स कहेंगे। फॉर्म इंक्रीजेस द हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। ये जो कार्बाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। द अलॉय कार्बाइड्स आर हार्ड एंड दे इंक्रीजेस वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं और वो एब्रेजन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करते हैं स्टील का, एज वेल एज दे इंक्रीजेस हार्डनेस ऑफ द स्टील। सपोज आपने टंगस्टन यूज किया होगा तो टंगस्टन कार्बन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, टंगस्टन कार्बाइड फॉर्म करेगा, जो कि बहुत ही हार्ड मटेरियल है। उससे क्या होता है, हार्डनेस बढ़ जाता है और वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये है सेकेंड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ
कार्बाइड्स। अभी हम देखेंगे थर्ड इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन्स और ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे। आपको पता होगा कि स्टील जब लिक्विड फॉर्म में होता है, मोल्टन स्टील होता है, तब उसमें कुछ ऑक्सीजन गैसेस एंट्रैप हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, फ्री ऑक्सीजन कहते हैं। फ्री ऑक्सीजन क्या होते हैं, एंट्रैप हो जाते हैं। अगर हमें ये फ्री ऑक्सीजन रिमूव करने का है स्टील में से, सो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, डी ऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, डी ऑक्सीडेंट्स। सो यूजुअली डी ऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू रिमूव डिजॉल्व फ्री ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टील। जो स्टील में का ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन, उसे रिमूव करने के लिए हम डी ऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। सो उससे क्या होता है, दिस डी ऑक्सीडेशंस कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड इंक्लूजन्स। इससे क्या फॉर्म होता है स्टील में, ऑक्साइड इंक्लूजन्स फॉर्म हो जाते हैं। सो दे फॉर्म ऑक्साइड इंक्लूजन्स इनसाइड द स्टील। सो डी ऑक्सीडेंट्स कौन कौन से, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, क्रोमियम है, मैंगनीज है। ये जो मटेरियल्स है ये डी ऑक्सीडेंट्स है। अगर आप स्टील में से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं तो उस स्टील को हम क्या कहते हैं, किल्ड स्टील कहते हैं। आपने पढ़ा होगा इसे हम क्या कहते हैं, किल्ड स्टील। अगर आप ऑक्सीजन कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज किल्ड स्टील। सो ये एक इफेक्ट है जो अलोइंग एलिमेंट का इफेक्ट होता है स्टील पे। नेक्स्ट हम देखेंगे और भी इफेक्ट्स है। और एक इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। सो क्या लिखा है, सम अलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स विथ आयन। वो आयन के साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। वो सोल्यूबल नहीं होते आयन में, वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। दिस कंपाउंड्स इंप्रूव वियर रेजिस्टेंस एंड अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सो ये जो कंपाउंड्स है वो क्या करते हैं, वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव करते हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मटेरियल दिए है, क्रोमियम है, वैनाडियम, टंगस्टन, निकेल, सिलिकॉन। सो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो आयन के साथ कंबाइन होकर इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्रोमियम सेलेक्ट किया है तो FeCr आयन क्रोमाइड ऐसा एक कंपाउंड बन जाएगा जो कि वियर रेजिस्टेंट है। अगर आपने टंगस्टन यूज किया है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड, दैट इज Fe3W2। ऐसा एक कंपाउंड बन जाएगा जो कि बहुत ही वियर रेजिस्टेंट है, उससे वियर नहीं होता ये जो कंपाउंड है, उससे इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसका एक ड्रॉबैक क्या है इंटरमीडिएट कंपाउंड का, कि ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये जो फेज है, वो क्या करता है, ब्रिटलनेस इंक्रीज करता है स्टील की, स्टील में ब्रिटलनेस इंक्रीज करता है। और ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट अनडिजायरेबल है स्टील्स में। सो दिस इफेक्ट इज अनडिजायरेबल। सो यूजली इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा एक इफेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। अभी और एक इफेक्ट दिया है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग और लोअरिंग ऑफ क्रिटिकल कूलिंग रेट। क्रिटिकल कूलिंग रेट। सो यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट्स हैव डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर्स। सो कुछ अलॉइंग एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है, हर एक एलिमेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे और एक टर्म है, दैट इज फेराइट स्टेबलाइजर्स। फेराइट स्टेबलाइजर्स एंड ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर्स। सो फेराइट स्टेबलाइजर्स क्या होता है, फेराइट स्टेबलाइजर्स एवन टेम्परेचर को रेज कर देता है। इट रेजेस द एवन टेम्परेचर। एवन टेम्परेचर क्या होता है, ये होता है इटेक्ट्रोइड टेम्परेचर, 727 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको आयन कार्बाइड डायग्राम पता होगी तो उसमें एवन टेम्परेचर क्या होता है, 727 डिग्री सेल्सियस इटेक्ट्रोइड टेम्परेचर। सिमिलरली अगर आप ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर देगा, इट लोअर्स द इटेक्ट्रोइड टेम्परेचर, एवन एवन टेम्परेचर को कम कर देता है। तो इसके एग्जाम्पल्स है यहाँ पे मॉडिब्लेनम दिया है, टिटेनियम फेराइट स्टेबलाइजर दिया है, मैंगनीज है और निकेल ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर दिया है। तो ठीक है, हम अभी ये समझने का प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम।
ठीक है, तो ये डायग्राम है, टी डायग्राम, कौन सा डायग्राम है, टी, उसे क्या कहते हैं हम, टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल कूलिंग रेट क्या होता है। ये जो नोज है, नोज के पास से जो भी लाइन पास होती है टच करके, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कूलिंग रेट कहते हैं। अगर आप अलोइंग एलिमेंट ऐड करते हैं स्टील में, तो ये जो कर्व है, रेड कलर की कर्व दिखाई यहाँ पे, ये क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है ये क्रिटिकल कूलिंग कर्व। सो इससे क्या होता है, ये जो क्रिटिकल कूलिंग कर्व है ये भी शिफ्ट हो जाएंगी राइट साइड में। ठीक है, अगर आप अलोइंग एलिमेंट ऐड करते हैं, देन दिस इंक्लाइन लाइन ऑल्सो शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड। सो इससे क्या होता हो जाता है, जो भी क्रिटिकल कूलिंग रेट है वो कम हो जाता है। ये जो पहली लाइन मैंने दिखाई है, ये वाली, ये लाइन का क्रिटिकल कूलिंग रेट ज़्यादा है। अगर वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाती है, तो उसका क्रिटिकल कूलिंग रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, क्रिटिकल कूलिंग रेट शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट साइड, और वी कैन कॉल इट एज जो भी डायग्राम है, टी डायग्राम, वो पूरी तरह से शिफ्ट हो जाती है राइट साइड को। सो ये एक इफेक्ट होता है अलोइंग एलिमेंट का। यहाँ पे और एक डायग्राम है, उसे हम कहते हैं आयन कार्बन फेज डायग्राम। सो इसमें यूटेक्टोइड टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे क्या कहते हैं हम, A1 टेम्परेचर लाइन, यूटेक्टोइड टेम्परेचर लाइन, दैट इज 727 डिग्री सेल्सियस लाइन। अब आपको पता होगा ये A1 टेम्परेचर लाइन है, और यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे कौन सी लाइन है, ये A4 है, A4 टेम्परेचर लाइन है। अभी इस A1 से A4 के बीच में कौन सा फेज होता है, यहाँ पे ऑस्टेनेट होता है, दैट इज ऑस्टेनेट होता है इतने टेम्परेचर रेंज में, करेक्ट। और उसके नीचे फ्रॉम A1 टू रूम टेम्परेचर, यहाँ पे कौन सा फेज होता है, वो होता है फेराइट फेज, करेक्ट। सो ऑस्टेनेट की टेम्परेचर रेंज कहाँ से कहाँ तक है, A1 टू A4, और फेराइट की टेम्परेचर रेंज A1 टू रूम टेम्परेचर है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्टेनेट स्टेबलाइजर क्या होता है और फेराइट स्टेबलाइजर क्या होता है। अभी ऑस्टेनेट स्टेबलाइजर क्या होता है, अगर आप ऑस्टेनेट स्टेबलाइजर यूज करते हैं, तो ऑस्टेनेट की जो टेम्परेचर, ऑस्टेनेट की जो रेंज है वो बढ़ जाती है, वो यहाँ से लेके रूम टेम्परेचर तक आ जाती है। मतलब ऑस्टेनेट आपको हायर टेम्परेचर पे भी मिलेगा और लोअर टेम्परेचर को भी मिलेगा। मतलब क्या होता है, A1 जो लाइन है, A1 लाइन क्या होती है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ये जो A1 लाइन है, इट शिफ्ट टूवर्ड्स डाउनवर्ड इन केस ऑफ ऑस्टेनेट स्टेबलाइजर। और अगर आप फेराइट स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं, फेराइट स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो A1 लाइन है, A1 लाइन, ये A1 लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि फेराइट की जो रेंज है वो हमें कितनी ज़्यादा मिल जाएंगी। सो इससे क्या होता है, हमें रूम टेम्परेचर को भी फेराइट मिलता है और हायर टेम्परेचर को भी फेराइट मिलता है। सो इसे हम क्या कहते हैं, फेरेट स्टेबलाइजर और ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर। सो ऐसी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है कुछ कुछ एप्लीकेशंस के लिए, इसलिए हमें यूज करना पड़ता है फेरेट स्टेबलाइजर एंड ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर। सो टिटेनियम, टिटेनियम फेराइट स्टेबलाइजर क्या होता है, वो क्या करता है, टिटेनियम ये ऐसा एलोइंग एलिमेंट है, वो क्या करता है, फेराइट स्टेबलाइज करता है, और निकेल ऐसा मटेरियल है जो ऑस्टेनाइट स्टेबलाइज करता है। फेराइट स्टेबलाइजर क्या होता है, वो रिजेस, इट इंक्रीजेस द यूटेक्टोइड टेम्परेचर A1, और ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर क्या होता है, इट लोअर्स द यूटेक्टोइड टेम्परेचर A1। ठीक है, सो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है
और आपने पढ़ा क्रिटिकल कूलिंग रेट का क्या होता है? क्रिटिकल कूलिंग रेट राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड, हमने देखा है वो ये टीटीडी डायग्राम में, ठीक है। सो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, और एक इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द चेंजेस इन माइक्रोस्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर आप स्टील को हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे कूल कर रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, और वॉल्यूम चेंज होने के कारण माइक्रोस्ट्रक्चर में भी चेंजेस होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो भी सरफेस स्टील का, उसमें आपको क्रैक्स दिखने लगते हैं। सो अगर आपको ये अवॉइड करने का है तो क्या होना चाहिए, अलॉयज आर एडेड टू रिड्यूस द वॉल्यूम इम्पैक्ट। ये जो वॉल्यूम का इम्पैक्ट होता है वो कम करने के लिए हम उसमें अलॉयज ऐड करते हैं, उससे क्या होता है, क्रैक भी कम होते हैं और माइक्रोस्ट्रक्चर भी ज़्यादा चेंज नहीं होता है। सो इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, क्रोमियम है, निकेल है, सिलिकॉन है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, क्रोमियम, निकेल, फॉस्फरस, सिलिकॉन। सो ऐसे कुछ मटेरियल अगर आप वो ऐड करेंगे आप स्टील में, तो क्या करेंगे वो, इट विल रिड्यूस द वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज कम होगा, उससे डिस्टॉर्शंस कम होंगे, और उससे क्या होगा, रिस्क कम होगा किसका, क्वेंच क्रैकिंग का। अगर आप हार्डनिंग करते हैं तो क्वेंच क्रैकिंग विल गेट रिड्यूस्ड। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और इसके अलावा भी कुछ इफेक्ट्स है, अदर इफेक्ट्स लाइक बिसाइड्स दोज मेंशन्ड अबव, अलॉयिंग एलिमेंट्स आर एडेड टू इम्प्रूव। क्या होता है, करोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है। करोजन रेजिस्टेंस कैसे इंप्रूव होगा, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम मटेरियल है, क्रोमियम क्या करता है, एक थिन फिल्म बनाता है, थिन फिल्म बनाता है किसकी, क्रोमियम ऑक्साइड की सरफेस पे, स्टील के सरफेस पे एक थिन थिन फिल्म बनाता है क्रोमियम ऑक्साइड की। इससे क्या होता है, करोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है स्टील का। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और एक इफेक्ट है, दैट इज क्रिप स्ट्रेंथ, क्रिप स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होता है। क्रिप स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बाइड्स। जो भी कार्बाइड्स फॉर्म होते हैं कार्बन के साथ रिएक्ट होकर अलॉयिंग एलिमेंट, वो कार्बाइड क्या करते हैं, क्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं स्टील का। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है। और क्या हो सकता है, फटिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, जो भी स्टील की फटिक स्ट्रेंथ है दैट ऑल्सो गेट्स इम्प्रूवड। एज वेल एज और एक चीज़ यहाँ पे है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्ट्रक्चर में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही स्लगिश हो जाते हैं। स्लगिश मतलब डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर आपको माइक्रोस्कोप के अंडर एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश करना है तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स स्लगिश, ठीक है। सो ये सब थे इफेक्ट्स ऑफ अलॉयिंग एलिमेंट जो हमने आज पढ़े। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हर एक अलॉयिंग एलिमेंट है, जैसे कि क्रोमियम है, निकेल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हर एक एलिमेंट की हम प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे। सो मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड गिव कमेंट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।